पंजाब पुलिस में जो रिसेंटली कांस्टेबल और लेडी कॉन्स्टेबल्स की जो भर्ती का अमल जारी है जिसमें कि पंजाब भर से बड़ी तादाद में उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं तो ये बताइएगा काइंडली कि उम्मीदवार को किन किन मराहल से गुजरना पड़ता है पुलिस में भर्ती जो है ये बड़ा एक ट्रांसपेरेंट और नॉकआउट बेसिस पे होता है आफ्टर रमजान जो है ये रिटर्न टेस्ट हो जाएगा इसको पोस्टपोन नहीं किया गया एम जो होते हैं वो उनकी सेवेंटी परसेंट क्या लें और 30 परसेंट जो है वो सब्जेक्ट है वो। ये जो रिटर्न टेस्ट है इसमें उम्मीदवार के लिए पासिंग क्राइटेरिया क्या है आई I मीन mean, एक उम्मीदवार कब कंसीडर होगा कि वो पास है बिसमिल्ल रन रही अलगम मैं हूँ आज नाथ प्रोग्राम पुलिस में भर्ती कैसे हो के साथ नाजरीन आज हम बात करने जा रहे हैं पंजाब भर में कॉन्स्टेबल लेडी कॉन्स्टेबल और टेली स्टाफ की भर्ती का अमल जारी है जिसमें कि पंजाब भर से बड़ी तादाद में उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं नाजरन उन तमाम सवाल के जवाब जो आपके जेनों में हैं रिगार्डिंग टू रिटर्न टेस्ट फिज़िकल टेस्ट या किसी और टेस्ट से मुतिक सवाल उनके जवाब के लिए हम मौजूद हैं डी आई जी इस्टबलिशमेंट के ऑफिस में जो आपके तमाम सवालत के जवाब देंगे हमारे साथ मौजूद हैं डी आई जी इस्टबलिशमेंट जनाब मकसूद हसन साहब सर थैंक यू सो मच एंड वेरी वेलकम अच्छा सर सबसे पहले बात करते हैं कि जो पंजाब पुलिस में वैकेंसीज आती हैं आया वो लो रैंक की हों या हाई रैंक की हों तो पंजाब पुलिस का वो कौन सा ऑफिस है जो इसकी अप्रूवल देता है और इस सारे प्रोसीजर की जो है उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखता है बेसिकली अगर आप लोअर रैंक की बात कर रहे हैं तो जैसे कि हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन का एक टर्न है और हमारी चूँकि एक मैन पावर ज़्यादा है और पाँच से छः जो है वो सालाना हमारा टर्न ओवर टर्न के कुछ रिटायर होंगे या कोई नौकरी छोड़ के जा रहे होंगे या किसी की वजह से वो उनकी जगह खाली हो गई होगी तो एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच जो सी पी ओ में है ये इसका प्लानिंग करती है कि कितने इस साल रिटायर हो रहे होंगे या कई हमारे कोई नए इनिशिएटिव्स होते हैं जिसमें हमारी पुलिस की रिक्वायरमेंट हो जाती है या नई इस्टेब्लिशमेंट आ जाती है जैसे ये पीरू आ गई डोल्फन आ गई तो इस सब को वर्कआउट करना जो है वो स्टेबलिशमेंट का काम होता है और फिर वो आईजी से उसकी अप्रूवल ली जाती है चूँकि मौजूदा हालात में नई रिक्रूटमेंट किसी किस्म की भी हो तो उस पर बैन है और उस सूरत हाल में हमें गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ती है और गवर्नमेंट उसको रिलैक्सेशन ऑफ बैन जो है वो जब अप्रूवल दे देती है तो फिर हम रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू करते हैं बाई दी ऑर्डर्स ऑफ दी आई जी पी सर पंजाब पुलिस में जो रिसेंटली कॉन्स्टेबल और लेडी कॉन्स्टेबल्स की जो भर्ती का अमल जारी है जिसमें कि पंजाब भर से बड़ी तादाद में उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं सर ये बताइएगा काइंडली कि उम्मीदवार को किन किन मराहल से गुजरना पड़ता है देखिए अगर आप ये देखें तो पुलिस में भर्ती जो है ये बड़ा एक ट्रांसपेरेंट और नॉकआउट बेसिस पे होता है हमारे मुख्तलफ़ के मरल हैं और अगर किसी भी मरल से कोई भी कैंडिडेट एप्लीकेंट जो हो मेल या फीमेल वो उसको क्लियर करने में या कामयाब करने में नाकाम रहे तो फिर वो नॉकआउट हो जाता फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन है कि वो उसका जो रिक्वायर्ड क्राइटेरिया उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो सबसे पहले आ जाता है तो हम उसको वेरीफाई करते हैं वेरीफाई करने से मुराद ये है कि हम उसको एग्ज़ामिन करते हैं वेरीफाई बाद में करवाया जाता है तो अगर किसी की एज ही ओवर एज है तो उसको हम एंटरटेन नहीं करेंगे तो वो जो एपी एप्लीकेंट होगा वो पहली स्टेज पे नॉकआउट हो गया उसके बाद हमारा जो दूसरा मरहला होता है वो एंडोरेंस टेस्ट होता है और फ़िज़िकल टेस्ट होता है कि क्या उसकी फिज़िकल रिक्वायरमेंट जो पुलिस ऑर्डर के मुताबिक अप्रूवड है गवर्नमेंट से उसके मुताबिक तो उसमें उसकी मेजरमेंट आ जाती है उसमें उसका एंड्योरेंस टेस्ट आ जाता है जिसमें उसको वन माइल की रेस करनी पड़ती है और उसकी एक स्पेसिफिक टाइमिंग है अगर उसको वो क्वालिफाई ना कर सके तो वो मेयरमेंट uh, या इंड्योरेंस टेस्ट की uh, जगह पे वो नॉकआउट हो जाएगा फिर उसके बाद उसका रिटर्न टेस्ट है और रिटर्न टेस्ट जो है काफ़ी अरसे से गवर्नमेंट के अहकाम के मुताबिक हम प्राइवेट टेस्टिंग एजेंसी से लेते हैं और उसकी वेल्यूएशन जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट करता है कि एक मैट्रिक लेवल का कैंडिडेट जो है उसके लिए किस किस्म का पेपर होगा और उसमें नगरटिव पार्ट कितना होगा ऑब्जेक्टिव पार्ट कितना होगा तो वो जब टेस्ट क्लियर होता है तो फिर हम एक से तीन की रेशो के मुताबिक इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं क्योंकि तो नौकरियों के मिसाइल की वजह से बहुत सारे लोग अप्लाई कर देते हैं बहुत सारे लोग क्लियर भी कर देते हैं और जो मेरिट पे आता है उसको रखना होता है तो फिर हम एक से तीन की रेशो से कॉल करते हैं यानी कि एक सीट के अगेंस्ट हम तीन कैंडिडेट्स को बुलाते हैं और उसके लिए एक इंटरव्यू बोर्ड बना होता है जो कंसर्न रेंज होगी उसका डीआईजी जो होगा वो किसी और जगह पे जाकर इंटरव्यू कंडक्ट करेगा किसी और रेंज का या इधर सीपीओ से कोई डीआईजी और उसके साथ एक एसएसपी ताकि उसकी न्यूट्रलिटी उसकी इम्पारशलिटी वो बरकरार रहे कोई उस पर ऐसी बात ना आ जाए कि ये तो किसी की सिफारिश मान ली है या दूसरा हो गया और जो कंसर्न ज़िला होता है उसका जो डी पी ओ होता है या सी पी ओ होता है वो उस इंटरव्यू बोर्ड का सेक्रेटरी होता है यानी कि ये तीन ऑफिसर्स का एक बोर्ड बन जाता है हेडेड बाय ए डी आई जी और एक किसी और ज़िले का या किसी और जगह का एस पी और उस कंसर्न ज़िले का डी पी ओ या सी पी ओ तो उसके बाद उनका मेडिकल होता मेडिकल होने के बाद जो मैंने पहले बात की थी कि हम उनकी वेरीफ़िकेशन कराते हैं उनकी डिग्रीज की बोर्ड से करवाते हैं उनके क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक होता है वो हम स्पेशल ब्रांच से कराते हैं और कंसर्न पुलिस स्टेशन से कराते हैं मैं इसमें कहूँगा कि इस ग्रेड की सीट का इस लेवल का इम्तहान शायद ही किसी और डिपार्टमेंट में होता कि जिसमें हर तरह की चीज़ों को मलूज़ खातर रखा गया आपकी एजुकेशन uh, को आपकी फिज़िकल मेयरमेंट uh, को क्वालिफिकेशन को रिटर्न को आपके बैकग्राउंड चेक को मेरा नहीं ख्याल कि कोई और महकमा जो है वो इतनी तगो दो करता होगा सर मिलियन डॉलर क्वेश्चन हमने सोशल मीडिया पे भी देखा है जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कुछ टीकर्स भी पड़े हैं कि जो रिटर्न टेस्ट है वो पोस्टपोन हो गया है सर काइंडली जी बता दीजिए कि रिटर्न टेस्ट uh, कब तक मतवक़ है नहीं रिटर्न टेस्ट पोस्टपोन नहीं हुआ आप को किसी ने ये शायद उनको प्रॉपर इन्फॉर्म नहीं होंगे uh, हमने टेस्टिंग एजेंसी हायर करनी है उसका हम इश्तहार दे चुके हैं अखबार में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है वो हमने इनवाइट किया उसमें जितनी भी टेस्टिंग एजेंसीज जो हैं प्राइवेट जी जी। वो अप्लाई करेंगी अपना वो रिज्यूमे देंगी उनकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या तो उसको हम सेलेक्ट करेंगे फिर आगे आ जाता है कोवड और कोविड और रमज़ान तो फिर डिपार्टमेंट ने ये फ़ैसला किया था कि आफ्टर रमज़ान जो है ये रिटर्न टेस्ट हो जाएगा इसको पोस्टपोन नहीं किया गया हमें जब हम रिटर्न टेस्ट लेते हैं और ऑल ओवर पंजाब लेते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि वो छुट्टी का दिन हो कि हमने स्कूल कॉलेज़ के जो हॉल्स हैं वो हायर करने होते हैं फिर कोई ऐसी आ, हैपनिंग ना हो कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना हो कोई ऐसा विजट ना हो कोई ऐसी चीज़ ना हो ताकि वो एग्ज़ाम जो है वो प्रॉपरली स्मूथ तरीके से हो। आ, मैं टेंटेटिव बता सकता हूँ कि आफ्टर ईद ये फर्स्ट वीक कह लें या सेकेंड वीक कह लें आ, फौरी तौर पर ये हम देखें जी हमने भी उनके मेजरमेंट कर लिए उनके डॉक्यूमेंट्स ले लिए हैं और हमें भी ज़रूरत है क्योंकि ये एक लंबा प्रोसेस है जैसे मैं आपको बता चुका हूँ उसके बाद इनकी नौवा की दसवा की ट्रेनिंग भी होनी है तो हम तो उनसे भी ज़्यादा जल्दी में ये अच्छा जो, जो रिटर्न टेस्ट होगा इसकी नोयत क्या है आई मीन ऑब्जेक्टिव वेस होता है या सब्जेक्टिव वेस होता है टेस्ट की कारण नोयत क्या होती है इसका जो मेजर पार्ट होता है वो एम सी क्यूज होता है जी, जी। और इसके साथ नरेटिव पार्ट भी होता है नरेटिव पार्ट में पैराग्राफ भी हो सकता है उर्दू इंग्लिश का और ऐसे भी हो सकता है आ, या कोई प्रेसी या कोई और चीज़ भी हो सकती है आ, उस लेवल के मुताबिक लेकिन एम सी क्यूज़ जो होते हैं वो उनकी सेवेंटी परसेंट क्या लें और थर्टी परसेंट जो है वो सब्जेक्ट होता है सर uh, ये जो रिटर्न टेस्ट है इसमें उम्मीदवार के लिए पासिंग क्राइटेरिया क्या है आई I मीन mean, एक उम्मीदवार कब कंसीडर होगा कि वो पास है फोर्टी मार्क्स उसके रिटर्न में है और जो आठ हैं वो उसके इंटरव्यू में है बीस में से आठ और सौ में से फोर्टी उसके पासिंग मार्क्स है लेकिन इंटरेस्टिंगली जो हमने रिजल्ट का पैटर्न देखा फोर्टी मार्क्स वाला पास भी कर जाए और इंटरव्यू भी पास कर जाए तो वो नॉर्मली वो नहीं आता क्योंकि जो हमारा थ्रेश बनता है वो फिफ्टी सिक्स सिक्सटी पे बनता तो पासिंग मार्क्स तो हैं फोर्टी परसेंट अच्छा सर टेस्ट रिटर्न टेस्ट, टेस्ट पास करने के बाद बाकी तमाम टेस्ट जो है वो क्लियर करने के बाद उम्मीदवार की अपॉइंटमेंट होती है तो सर ये बता दीजिए कि ट्रेनिंग भी इनकी होती है ट्रेनिंग की नोयत क्या होती है ड्यूरेशन क्या होता है और कहाँ पर ट्रेनिंग इनकी कंडक्ट की जाती है टेन मंथ्स की उनकी आ, ट्रेनिंग होती है हमारा ट्रेनिंग डायरेक्टोरेट जो हमारे आठ ट्रेनिंग स्कूल हैं और दो ट्रेनिंग कॉलेजेज हैं okay. उनका एक ऑन गोइंग प्रोग्राम चल रहा होता है उसमें न्यू रिक्रूट्स के भी ट्रेनिंग होती है और उसमें जो इन सर्विस होते हैं उनके प्रमोशनल कोर्सेस भी होते हैं ओवर दी टाइम इस पे बड़ी मेहनत हुई है और उसमें सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है जहाँ पे उनकी फ़िज़िकल हेल्थ का ख्याल रखा जाता है वहाँ पे उनकी बिहेवियर को भी बेहतर किया जाता है ग्रूम किया जाता है और वो उनके इम्तहान होते हैं फिज़िकल इम्तहान होते हैं उनके तहरीरी इम्तहान होते हैं तहरीरी इम्तान में उनको जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाती है उसका भी होता है और उनके बिहेवियर का और अखलाकियात का भी टैस उसके साथ होता है सर वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर हम वफाक पाकिस्तान की बात करें तो वजर पाकिस्तान ट्रांसपेरेंसी की बात करते नज़र आते हैं यहाँ पर वजे पंजाब ट्रांसपेरेंसी पर ज़ोर देते नजर आते हैं तो मुझे बताइएगा कि पंजाब भर से बड़ी तादाद में उम्मीदवार इस uh, में हिस्सा ले रहे हैं तो मुझे बताइएगा कि ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए आपके ऑफिस ने क्या क्या इकदाम किए हैं देखिए पहले तो अगर आप ये देखें ये कांस्टेबल की अपॉइंटमेंट जो है उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी उसका डीपीओ पी ओ था जी जी। अगर आप वे बैक देखेंगे तो अगर उसमें उस वक्त कोई तालीमी कैद नहीं थी कोई जी जी। तो किसी भी एसएसपी को उसके ज़िले में एक अच्छा जवान लड़का जो है और पढ़ा लिखा लगता हो तो उसको वो कोई टेस्ट लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी ये ओवर दी टाइम डिपार्टमेंट ने ट्रांसपेरेंसी बनाने के लिए इसको इंश्योर करने के लिए बेस्ट ऑफ दी बेस्ट का रॉ मटेरियल उठाने के लिए तो ये सारे प्रोसेस बताए हैं मैंने आपको शुरू में कहा था कि इस ग्रेड में मुझे कोई और डिपार्टमेंट बना दे बता दे जो इतनी स्क्रूट नहीं करता होगा इतने स्टेप्स लेता होगा और उसके बाद उसको सेलेक्ट करता होगा यानी कि उसके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी चेक होने उसकी फ़िज़िकल मेजरमेंट भी होनी है उसका इंड्योरेंस टेस्ट भी होना है उसका रिटर्न टेस्ट भी होना है उसका इंटरव्यू भी होना है और इंटरव्यू में उसका जो है एप्टीट्यूड ऑफ माइंड जो है वो साइकोलॉजिस्ट ने हमें कुछ सवाल फ्रेम करके दिए होते हैं और उसके मुताबिक भी उसको जज किया जाता है उसको वेल्यूट कर जाता है तो इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी क्या है कि उस ज़िले का भर्ती होने वाला बंदा जो है उसका सिस्टम उसके अंडर नहीं है एक ऑपरेटस जो है वो एक मेकनाइज तरीके से एक स्टैब्लिश तरीके से काम करता है और हर चीज़ को वो चेक करता है और बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो है वो मार्केट से हम अवेलेबल लॉट जो है उसको पिक करते हैं नज़िल आज के प्रोग्राम्स में इतना ही आने वाले प्रोग्राम्स में हाजिर होंगे नई जॉब्स के साथ नई इन्फॉर्मेशन के साथ अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए सेफ़ रहें सेफ सिटी के साथ अला निगेबान